ओए मार्ट, बस एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। इस लॉकडाउन में भी अब करें खुलकर खरीदारी। जी हाँ, अब घरेलू सामान की डिलीवरी नवगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में कॉल करें 8340371178 7325052437 पर। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज चैनल पर चल रहे प्रतियोगिता पार्ट टू में आज का सवाल, यूपीएससी के चेयरमैन कौन हैं? ए अरविंद सक्सेना, बी सतीश रेड्डी, सी विनोद कुमार यादव या डी के शिवम। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब सही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कल के प्रतियोगिता में आप सबसे पहले जवाब दे सकें। भागलपुर के मायागंज अस्पताल में कोरोना से 3 और की गई जान, मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 58। जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में कोरोना संक्रमण से जान जाने वालों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले एक सप्ताह से प्रतिदिन मरीजों की जान जा रही है। गुरुवार की रात से लेकर शुक्रवार के दोपहर तक 13 घंटे के भीतर 3 कोरोना मरीजों की जान चली गई। मरने वालों में एक बीहपुर की महिला है, इसके अलावा बांका और मुंगेर के मरीज भी शामिल हैं। भागलपुर, पिछले महीने भागलपुर में एक दवा दुकान पर एक व्यक्ति की अचानक मौत हो गई थी। भागलपुर का तमाशा बन गया था। एक बार फिर उसी तरह गंगा नदी के किनारे पुल घाट पर एक बुजुर्ग स्नान के बाद बेहोश हो गया, बात चलकर उसकी भी मौत हो गई है। घटना हुए 24 घंटे बीत गए हैं, उसके मृत शरीर को हटाने वाला कोई नहीं है, शक कोरोना का है। फिलहाल जब एसएसपी को खबर मिली तो बरारी पुलिस को घटनास्थल पर भेजा गया, तहकीकात जारी है। सब लवारिस स्थिति में है, स्थानीय लोग भी मृतक के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं कोरोना के भय को लेकर कोई भी पास जाने को तैयार नहीं है। बहुत पब्लिक लोग तो बहुत था, मतलब उसको कुछ देखना नहीं चाहिए। अब क्या बताएं, कोरोना डर से हो सकता कोरोना उसको नहीं छुआ। पुलिस सब आ रहा था, छुआ नहीं? नहीं, प्रशासन तो अभी हाफी जो कॉल किए तो आया, पहले तो नहीं आया था। कल से पड़ा हुआ? कल 3:30 बजे आया था। तो 2:30 बजे आया है, ये बड़ा स्नान किया है, उसके बाद यहाँ पर आकर के बैठ गया है। उसके बाद बैठे बैठे यहाँ धीरे धीरे आया यात्री सेवा में, उसको दम तोड़ दिया। कब से पड़ा हुआ है? ये कल से पड़ा हुआ है। कोई देखने वाला है? कोई देखने वाला नहीं। वार्ड पार्षद साहब यहाँ से फ़ोन किए, थाना वाना फ़ोन किए, अभी तक कोई थाना वाला सब नहीं आए हैं। ऐसे पड़ा हुआ? हाँ। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? इसको अच्छा से उसका सब दाह संस्कार करा दे। क्या नाम है? मुरारी ठाकुर। कहाँ का रहने वाला बाबा? बाबा कहाँ का रहने वाले मालूम नहीं। नहाने के लिए आया था? हाँ, नहाने के लिए। क्या नाम है आपका? मुरारी ठाकुर। भागलपुर पुलिस लाइन में कोरोना जांच शुरू, कई पुलिस जवानों ने दिया सैंपल। भागलपुर पुलिस लाइन में कोविड 19 की जांच के लिए सैंपल लिया जा रहा है। पिछले दिनों पुलिस लाइन में पुलिस कर्मियों के संक्रमित होने के बाद एहतियातन सभी पुलिसकर्मी का सैंपल लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस लाइन में ही अधिकारियों के क्वार्टर भी हैं, जिससे कई अधिकारी परिवार सहित रहते हैं। ऐसे में पुलिस लाइन में संक्रमण के दस्तक के बाद पुलिसकर्मियों के बीच संक्रमण को लेकर दहशत हो गया था। भागलपुर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम नीतीश कुमार ने परिवहन कार्यालय का किया उद्घाटन। भागलपुर में जिला परिवहन विभाग को अपना नया भवन मिल गया। बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 3,78,00,000 की लागत से नवनिर्मित इस भवन का उद्घाटन कर दिया है। वहीं नवनिर्मित भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर परिवहन विभाग की ओर से तैयारी भी पुख्ता की गई थी। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही उद्घाटन समारोह में शिरकत कर रहे थे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने
जिला परिवहन के नवनिर्मित भवन के साथ ही राष्ट्रीय ग्राम परिवहन योजना के तहत लाभुकों को मिलने वाली अनुदान राशि और वाहन वितरण कार्यक्रम का भी उद्घाटन कर दिया है। वहीं कार्यक्रम में सीएम के उद्घाटन के पश्चात जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने करीब 30 लाभुकों को वाहन की चाबी सौंप कर उनसे ईमानदारी और मेहनत से कार्य करने की अपील की है। इंडिपेंडेंट कार्यालय के रूप में नई बिल्डिंग जिसमें कि 10 काउंटर बने हुए हैं, इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमरों द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इसकी कुल लागत राशि करीब 378 लाख यानी 0.4 करोड़ रुपए हैं और काफी रिकॉर्ड टाइम में मात्र 1.5 वर्षों की अवधि में ये कार्य प्रारंभ किया गया और ये बन गया। आप सभी वाकिफ हैं कि इससे पहले काफी पुरानी बिल्डिंग में जिला परिवहन कार्यालय का कार्य चल रहा था जिसमें कई असुविधाएं उत्पन्न होती थी। सरकार के संकल्प के माध्यम से जिला परिवहन कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और बाकी हम नए कार्यालय से संचालित होगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत लगातार कार्य किया जा रहा है और प्रत्येक पंचायतों से इच्छुक लाभुकों का चयन किया जा रहा है और लगभग 500। नवगछिया विशेष समकालीन छापेमारी में 11 अभियुक्त गिरफ्तार भेजे गए जेल। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्रम के निर्देश पर शनिवार को पुलिस द्वारा चलाए गए समकालीन छापेमारी अभियान में संगीन मामले में फरार चले 11 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। नवगछिया एसपी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए जानकारी देते हुए बताया कि विशेष समकालीन छापेमारी में इस्माइलपुर पुलिस ने लूटकांड के अभियुक्त परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी थानाध्यक्ष प्रेम साखे नेतृत्व में हुआ। इस्माइलपुर के दर्जनों गांव बाढ़ के पानी से घिरे, नाव ही आवागमन का सहारा। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी से इस्माइलपुर प्रखंड के दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश करने की स्थिति में है। नदी के जलस्तर में पिछले 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। वर्तमान में नदी खतरे के निशान के ऊपर 31.60 मीटर से बस 20 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। गंगा नदी के खतरे के निशान को पार करते ही पिछले दिनों इस्माइलपुर का अनुमंडल मुख्यालय से सड़क संपर्क भंग हो गया था। इसके साथ ही प्रखंड के दर्जनों गांव की सड़क भी बाढ़ के पानी में डूब जाने से लोगों के लिए आवागमन के लिए नाव ही एकमात्र सहारा रह गया है। नवगछिया अनुमंडल में 29 लोग कोरोना संक्रमित, विभिन्न पीसी में किया गया जांच। नवगछिया अनुमंडल में विभिन्न स्थानों पर किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 29 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में 5, गोपालपुर पीएससी में 5, बीपुर में लगाए गए कैंप में 2, रंगराम में 1, नारायणपुर में 1, ढोलबज्जा पीएससी में 10, खरी पीएससी में 5 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नवगछिया अनुमंडल अस्पताल में किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में कुल 5 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें रंगरा के मदरोनी, नवगछिया के उजानी, सिंधिया मकनपुर, तुलसीपुर और 1 रोगी नवगछिया के हैं। नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि सबों को बॉन्ड भरवाने और अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। रंगरा के बनिया बैसी में मिला 1 कोरोना संक्रमित। रंगरा में किए गए रैपिड एंटीजन टेस्ट में बनिया बैसी के 1 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। रंगरा पीएससी प्रभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि रोगी को बॉन्ड भरवाने और अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं खरीक पीएससी में हुए रैपिड एंटीजन टेस्ट में 5 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें ढोड़िया से 1, राघोपुर से 1, तेलगी से 1 और मिर्जापुरी से 2 व्यक्ति संक्रमित हैं। स्वास्थ्य प्रबंधक मधुकांत जी ने कहा कि सबों ने बॉन्ड भरकर होम आइसोलेशन होने की मांग की थी, सभी ठीक हैं, इसलिए अस्पताल से सबों को घर पर ही क्वारंटीन रहने के लिए सख्त हिदायत दी गई है। कृपया ध्यान दें, अब 1 मिनट के विज्ञापन के बाद खबर प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना, नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड, माँ गायत्री प्लाई के ऊपर, सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488568 9234623333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन, हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736 8228956905 या रजिस्टर करें mswtbihar.com पर। गोपालपुर सड़क पर पेड़ गिरने से घंटों यातायात रहा बाधित।
नवगछिया तिनटेंगा करारी पीडब्ल्यूडी सड़क पर, गोपालपुर संतोषी फ्यूल सेंटर के आगे बाबू टोला कमलाकुंड के निकट मुख्य सड़क पर पेड़ गिर जाने के कारण घंटों यातायात बाधित रहा, जिस कारण दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ग्रामीणों द्वारा सड़क पर गिरे हुए पेड़ को हटाने के बाद यातायात प्रारंभ हुआ। कांग्रेस जिला अध्यक्ष परवेज जमाल ने कार्यकर्ताओं के साथ किया बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा। भागलपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष परवेज जमाल ने कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा अभय आनंद व विपिन बिहारी यादव के साथ मदरौनी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने के बाद नवगछिया गौशाला रोड स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में प्रेस वार्ता में बताया कि कांग्रेस आला कमान के निर्देश पर पार्टी का डिजिटल सदस्यता अभियान को गति देने के लिए नवगछिया का दौरा किया गया। गोपालपुर बाबू टोला कमलाकुंड में फायरिंग, मामला दर्ज। गोपालपुर थाना क्षेत्र के बाबू टोला कमलाकुंड में बीती रात अंधाधुंध फायरिंग किए जाने पर वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देश पर गोपालपुर थाने में सचिन यादव की मां ने नामजद मामला दर्ज कराया है। अपने आवेदन में उसने लिखा है कि गांव के ही कुछ लोगों द्वारा मेरे घर पर फायरिंग करने लगे, जिस कारण मेरे पति मदन यादव व पुत्र सचिन यादव बाल बाल बच गए। वहीं गोपालपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला दर्ज कर वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। गोपालपुर मानसिक रूप से विक्षिप्त ने स्वयं अपने को किया घायल, मायागंज रेपर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेंगा करारी निवासी संजय यादव ने धारदार हथियार से अपने को गंभीर रूप से घायल कर लिया। परिजनों द्वारा पीएससी गोपालपुर लाया गया, प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए मायागंज रेफर कर दिया गया। नारायणपुर रेलवे संपत्ति चोरी के सामान के साथ एक गिरफ्तार। कटिहार बरौनी रेलखंड के नारायणपुर रेलवे स्टेशन के पश्चिमी संपार संख्या 21 के पास से शनिवार की दोपहर आरपीएफ इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने पुलिस बलों की मदद से पुलिस गाड़ी देकर भागने के दौरान शाहपुर चौधरी निवासी रामचंद्र शाह के पुत्र विजय कुमार को स्कूटी BR 3493 पर दो झोले में रेलवे की सामान के साथ पकड़ा, जिसे रेलवे संपत्ति चोरी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर रविवार को पुलिस अभिरक्षा में खगड़िया जेल भेजा जाएगा। उक्त जानकारी आरपीएफ इंस्पेक्टर रंजीत कुमार ने दी। प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल नवगछिया भागलपुर, ऑनलाइन कक्षा देने वाला नवगछिया का एकमात्र विद्यालय। अभी नामांकन ले और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करें। 7488-8569-88-9234-62-3333। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर। रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका। BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCMLA निशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 8873-9736-80 8228956905 या रजिस्टर करें msw.bihar.com पर। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। अब घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। नवगछिया का सुप्रसिद्ध सुंदरम रेस्टोरेंट। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969-33-9666। हमारा पता है नवगछिया ऑटो स्टैंड माँ गायत्री प्लाई के ऊपर। सुंदरम फैमिली रेस्टोरेंट।